गजानन स्वामी महाराज ने भक्ति हो तारी जेमाओ हरी ए जिथाए आतंत्र थकी एवं दासत्व दे अनुसंधान रे नावर्ताय ए चुकी एवं दासत्व देने हरी भक्ति हो तारी जय माओ हरी ए जिथाए आतंत्र थकी एवं दासत्व दे अनुसंधान रे नवर्ताय ए चुकी एवं दासत्व देने हरी अंतर माऊटे विचारो एज पड़े बुझो सुर तारो अंतर माऊटे विचारो एज पड़े बुझो सुर तारो मरे जो आमी नजर नो अणसार उर मातारो मरे जो आमी नजर नो अणसार उर मातारो डगबरु स्मरी हय दैर धरी मीट मांडी तू सामे हरी एवं दासत्व दे अनुसंधान रे नवर्ताय चुकी एवं दासत्व देने हरी करी वृत्ति स्तुति मारे जो मूर्ति नो लाऊ सहारो करी वृत्ति स्तुति मारे जो मूर्ति नो लाऊ सहारो यस अप यस प्रसाद तारो राजी ए मारो दियो मारो यस अप यस प्रसाद तारो राजी ए मरु दियो मारो तू आनंद घन लहरी हूँ तारी तारा भी नान काई हरी एवं दासत्व दे अनुसंधान रे नवरताय चुकी दासत्व देने हरी एवी कृपा दृष्टि प्रभु करो समय सगड़ा स्वना विहारो एवी कृपा दृष्टि प्रभु करो समय सगड़ा स्वना विहारो बस जो संबंध तारो गुण लागावा दे विचारो बस जो संबंध तारो गुण लागावा दे विचारो तक जड़ पिलई सेवा करी लई राजी करु तने हरी एवं दासत्व दे अनुसंधान रे नवर्ताय चुकी एवं दासत्व देने हरी भक्ति हो तारी जय माओ हरी एज थाए आतंत्र थकी एवं दासत्व दे अनुसंधान रे नवर्ताय चुकी एवं दासत्व देने हरी सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज की सभा में प्रासंगिक उद्बोधन के लिए प्रार्थना है पूज्य जयप्रकाश मल्होत्रा जी से।
कि वे हमें महात्म दर्शन कराएं। प्रगटे कौशल देश वेश बटुधर तीर्थों में घूमे अनंत रामानंद मिले स्वधर्म स्थापा यज्ञादि कीने महंत भव्य धाम रचे रहे गढ़पुरे दो देश गद्दी करी अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट हैं गुणातीत से हरी अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट हैं गुरु जी से हरी। हम सब के प्राणाधार और मेरे जीवन के केंद्र बिंदु परम पूज्य गुरु जी सूरज स्वामी संकल्प स्वामी अक्षर स्वामी मैत्री स्वामी पुरी साहब डॉक्टर साहब अनु काका विनोद भाई शाह पंजाब से पधारे स्पेशली अशोक शर्मा जी जगराव से और महेंद्र जायसवाल जी का बेटा सनी उसका कल बर्थडे भी था स्पेशली ही हैज़ कम फ्रॉम पंजाब और मोर स्पेशली बॉम्बे से आए हुए श्री विश्वास पंड्या जी अलॉन्ग विद हिज डॉटर हैं ख्याना तो फादर एंड सन दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है फादर एंड डॉटर शी इज़ लाइक ए सन आल्सो यू नाउ डेज यस तो और इंटरनेट के माध्यम से देख रहे सभी हमारे गुजरात के भाइयों पूरी फैमिलीज देखती हैं बॉम्बे से पंजाब से हरियाणा से पानीपत से उन सबको मेरी हार्दिक जय स्वामीनारायण। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं। मैं भाग्यशाली इसलिए कहता हूँ कि पहले तो हमारे को ये मानव देह मिली जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस योनि में आने के लिए तरसते हैं। वो कहते हैं ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। दूसरा कि मानव देह तो मिली पर हिंदुस्तान में मिली तो भारत में मिलने का एक ये सौभाग्य है हमारा कि इस धरती पर जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सभी भरतखंड में हुए हैं। तीसरा हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम जो यहाँ विराजमान हैं अपने को स्वामी नारायण के आश्रय में आने का स्वामी नारायण की भक्ति करने का हमारे को सौभाग्य मिला वो हमारा परम सौभाग्य है। उसमें भी विशेष सौभाग्य ये है कि अपने को गुरुजी जैसे संत गुणातीत संत के सानिध्य में रहकर अपना जो जीवन सुधारने का मौका मिला है वो हमारा परम सौभाग्यशाली विशेष हमारा सौभाग्य है। इस बार अनुष्ठान शिविर में गुरुजी ने जब ये फाइनल किया कि वचनामृत का पारायण किया जाएगा तो उसी दिन से अपने आशीष और ये मैत्री स्वामी जी ने अपनी रिसर्च चालू कर दी कि इस बार की डेकोरेशन क्या होगी। तो वो जो डेकोरेशन इन्होंने फाइनल किया गुरुजी की मर्जी से ये इतना सुंदर अक्षर रोडी दादा खाचर का दरबार यहाँ पर सजीव प्रस्तुत कर दिया। इसको समीर भाई ने भी पहले दिन नोट किया और हम सब नोट कर रहे हैं और गुरुजी ने पहले दिन कर दिया था कि हमारे लिए ये इन्होंने गढ़रा यहाँ पर ले आए हैं जहाँ पर कि महाराज 30 साल तक रहे और सारे 262 प्लस 11 273 वचनामृत महाराज के जो हैं वो यहाँ पर हुए। 262 में से 184 तो गढ़रा में है मध्य प्रथम और अंत्य के मिलाकर टोटल वचनामृत जो है 273 हैं और महाराज ने
उसमें 618 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 618। उसमें भी जो मुक्तानंद स्वामी हैं वो महाराज के बहुत ही निकट थे, क्योंकि वो सबसे पहले लॉज में मुक्तानंद स्वामी को ही मिले। महाराज उनका बहुत आदर करते थे, महाराज के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रश्न किए हैं 91। वो वैसे तो वो बहुत विद्वान थे, महाराज के सभी संत बहुत विद्वान थे, पर उन्होंने हमारे लिए प्रश्न किया, उनको उन प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जो प्रश्न किए हैं वो हमारे लिए किए हैं ताकि उनका सटीक उत्तर महाराज के द्वारा आ जाए, भगवान के द्वारा आ जाए, और वो हमारे जीवन में आगे हमारी साधना में वो सरल हो। महाराज ने इतने कठिन और इतने जटिल प्रश्नों का उत्तर इतने सरल ढंग से दिया है, और उसमें भी फिर गुरुजी जो हमारे को समझा रहे हैं वो तो सोने पर सुहागा है। वैसे हमारे को सभी को ही, मोस्टली सभी के घर में होगा भी वचनामृत, रखना ही चाहिए। जिसके पास नहीं है वो ज़रूर रखे। उसमें इस बार भी आया है कि जो उसका पूरा पाठ करेगा, 108 पार करेगा, महाराज उसको स्वयं दर्शन देंगे। हमारे महाराज तो बैठे हैं वैसे, लेकिन फिर भी अपनी साधना की सुगमता के लिए, सरलता के लिए और प्रोग्रेस के लिए वचनामृत पढ़ना जरूरी है। प्रतिदिन कम से कम एक वचनामृत का पाठ जरूर करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अगर आप एक वचनामृत का पाठ पूरा नहीं कर सकते समय अभाव के कारण, तो एक पेज जरूर पढ़ें। एक पेज भी अगर नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं है आजकल की व्यस्तता के कारण, तो एक पैराग्राफ जरूर पढ़ें। एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ सकते तो वचनामृत की जो पुस्तक आप अपने घर में लाएंगे उसको माथा टेक कर भी अगर आप मंदिर, गुरुद्वारे, घर, अपनी दुकान पर जहाँ भी जाते हैं जाएंगे, तो भी महाराज आपका कल्याण करेंगे। तो इनके ये जो आशीष और इनका इन्होंने जो ये किया, प्लस ये जो वीडियोग्राफी की टीम है आईना स्टूडियोज़ की, इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद है कि डेली प्रतिदिन ये करते हैं। और अक्षर स्वामी की टीम जो है वो रात को ही इसको दोबारा एडिटिंग करके हम सब के लिए प्रस्तुत कर देती है। जो लाइव देख रहे हैं वो तो है, पर जो नहीं देख सकते और दोबारा देखेंगे या बाद में देखेंगे, उसके लिए भी अक्षर स्वामी ने बहुत अच्छी सुविधा कर दी है। उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। महाराज ने जो वचनामृत किए हैं वो 9 जगह पर किए हैं, गढ़रा में, सारंगपुर में, कार्याणी में, लोया में, पंचाला में, और जैतलपुर में, अहमदाबाद में, असलाली में। असलाली में केवल एक ही वचनामृत है, वो भी इंक्लूड किया है। महाराज के जो आचार्य महाराज थे उनके दो दो वचनामृत हैं, वो भी इंक्लूड किए हैं। परंतु मुझे ये नहीं समझ आता कि इतने वर्ष वहाँ पर रहे, गुणातीतानंद स्वामी का एक भी वचनामृत नहीं है। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उनसे किसी ने कोई प्रश्न किया नहीं, उनका किसी प्रश्न ने उत्तर नहीं दिया। तो ये काका जी महाराज कहते थे कि ये बड़ा रहस्य है। ये वैसा ही रहस्य है, ये रहस्य हमारे को ढूंढना पड़ेगा। वो गुरु जी जैसे संत हमारे को समझा सकते हैं। भागवत भी अगर आप पढ़ो तो उसमें श्री राधा जी का नाम नहीं है। श्री राधा जी का नाम भागवत में नहीं है और वचनामृत में गुणातीतानंद स्वामी का नाम नहीं है। गुणातीतानंद स्वामी ने अपने जीवन में जितनी बातें करी हैं, 1400 से ज़्यादा बातें करी हैं, उन सब में महाराज का ही जिक्र है। महाराज क्या करते थे, महाराज ने क्या समझाया, एक एक वचनामृत का उन्होंने खोल खोल कर समझाया है। वचनामृत ऐसी चीज़ है कि वो हम बिना किसी गुणातीत संत के सानिध्य में आकर वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए गुरुजी जैसा संत हमारे को मिला है, हम उनकी जो है महिमा जाने और उनसे ही समझें, और इसी के लिए ही ये जो अनुष्ठान शिविर है। जो जब अभी पंचाला का नाम आया, तो जब पंचाला का नाम लेते हैं तो पंचाला में झीणा भाई थे, वो झीणा भाई का दरबार था। झीणा भाई के से हमारे को दो प्रसंग
बहुत ही जो हैं वो याद करने लायक हैं। पहला तो ये है कि सेवा कैसे करनी है। जब महाराज ने से उनसे बातचीत हुई कि अपने को पंचाला में जाना है, लेकिन सिर्फ जो हैं जेंट्स लोग जाएंगे, लेडीज़ नहीं जाएंगी, तो झीणा भाई ने सोचा कि ये शायद महाराज मेरे ऊपर खर्चा कम आए इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि कम लोग जाएं, हैं तो ऐसा तो नहीं है, कम से कम कुछ लेडीज़ को तो हम ले लें, जीवूबा का तो ले लें, लाडूबा का तो ले लें, वो तो सब आ जाएं। तो जब उन्होंने उनको साथ लिया, उनको महाराज को पता चला, तो महाराज ने कहा यह टोला वापस ले लो, हमारे को नहीं जाना। यानी कि आपको अगर संत की आज्ञा पालनी है तो जैसे संत कहे वैसे करना है, उसकी उसमें अपनी मर्जी नहीं करनी। यह हमारे को झीणा भाई से मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि झीणा भाई का महाराज के साथ का कोई रिश्ता बदल गया। झीणा भाई वो हैं जो कमलशी भाई थे, जो बीमार थे, वो बीमार थे, उनकी ऐसी हालत थी कि उनके घर वालों ने भी उनको पूछना छोड़ दिया था। देर वॉज़ नो नर्स एट दैट टाइम। तो वो उनको अपने उन्होंने कहा चलो मैं इसको अपने गांव लेकर जाता हूँ। अपने गांव जब लेकर जाना था तो उनकी उस वक़्त कोई एम्बुलेंस या स्ट्रेचर वगैरह नहीं होता था, तो चारपाई पर ही लेकर जाना था। अब चारपाई को उठाने के लिए जो कहार जो मजदूर थे वो केवल तीन मिले और चौथा कोई मिला नहीं, और ये गाँव के बड़े जमींदार थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं उठा लेता हूँ। तो ये 21 कदम चलकर वहाँ पर गए हैं उसकी चारपाई को उठाकर कमलशी भाई को। तो उसका जो मतलब इन रिटर्न है, महाराज ने जब झीणा भाई की डेथ हुई है, महाराज ने अपने भाई की डेथ, इच्छाराम जी की डेथ हुई, तो उस वक़्त उनको कंधा नहीं दिया, लेकिन झीणा भाई को कंधा दिया कि मुक्तानंद स्वामी ने ये क्या, कभी ये इसने मेरे भगत को आके उसकी सेवा करी थी, भगत की महिमा उसने समझी थी जो मैं समझाता हूँ, इसलिए मैं इसकी जो अर्थी को कंधा दे रहा हूँ। तो महाराज जो हैं अपने को ऐसे महाराज मिले हैं कि नो कंपैरिजन, वैसे भी सर्वोपरि हैं। वचनमृत वैसे भी सर्वोपरि इसलिए है कि ये महाराज की वाणी है। वचनामृत को महाराज के चार मुख्य संतों ने, मुक्तानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी और शुकानंद स्वामी, शुकानंद स्वामी की राइटिंग बड़ी खूबसूरत थी, उन्होंने सारे वचनामृत उस समय लिखे थे। इन चारों ने लोया में 9 दिसंबर 1820 को महाराज को अपने हाथों से सभा में प्रस्तुत किया कि लो महाराज ये आपका ग्रंथ है। महाराज ने उसको अच्छी तरह से पढ़ा, देखा, उनको धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया, जो कि हम आज पढ़ते हैं। और जब वो उसको दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण है, चाहे गीता है, गीता व्यास जी ने लिखी है, श्री कृष्ण की वाणी, पर उसको श्री कृष्ण ने सर्टिफाई नहीं किया है। बाइबल है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, उसको जीसस क्राइस्ट ने कोई टेस्टिफाई नहीं किया है। कुरान है, वो 22 साल तक पैगंबर मोहम्मद को वो स्टोरीज़ में बताते रहे, लेकिन उसको टेस्टिफाई किसी ने किया। वचनामृत इज़ दी ओनली ग्रंथ विच हैज़ बीन अथेंटिकेटेड बाई दी गॉड हिमसेल्फ। तो अपने को इसकी महिमा समझनी है। और जैसे और महाराज नियम तो देते थे पर खुद बहुत ही अनअटैच रहते थे। बहुत समय के बाद अभी आप जो ये रूप देखते हैं, महाराज ने अच्छे अच्छे गहने पहन रखे हैं, अच्छी अच्छी पोशाक पहन रखी है, अच्छा मुकुट पहन रखा है, ये तो बहुत बाद में शुरू किया, भक्तों की खातिर शुरू किया, भक्तों को सुख देने के लिए शुरू किया। वो जो कोई अच्छी चीज़ या अच्छे वस्त्र पहनते थे तो उनको सेवा देने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए नहीं। महाराज ने सौगंध भी खाई है कि अगर ये मैं सब अपने लिए करता हूँ तो मेरे को रामानंद स्वामी की सौगंध है, तो वो अपने लिए नहीं करते थे। वैसे ही अपने गुरुजी भी हैं कि ये कोई भी अच्छी चीज़ आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन ही है, कोई अच्छा आ गया, किसी ने कहा गुरुजी ये फ़ोन तो बड़ा अच्छा, अच्छा ये तो ले लें गुरुजी, ये आइटम, ये पेन तो बहुत अच्छा है,
अच्छा ये तू ले ले, बिल्कुल अनअटैच तरीके से रहते हैं, कोई इनको कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसे ही महाराज को काठी दरबारों ने एक बहुत सुंदर घोड़ा लाकर दिया कि महाराज ये लो, ये बड़ा अच्छा है, पूरे सौराष्ट्र में ऐसा घोड़ा नहीं है, इसकी चाल बड़ी अच्छी है, ये बड़ा सुंदर है, बहुत तारीफ़ करी, और ऐसा तो आपके पास है। तो उसी समय महाराज ने निश्चय कर लिया कि अब अपने को ये घोड़ा नहीं रखना है। तो उन्होंने प्लान बनाया, चलो पिकनिक पे चलते हैं। नदी में गए नहाने के लिए, नहाए, सबको आनंद कराया। जब बाहर निकले तो सामने से एक ब्राह्मण आ रहा था, दुबला पतला सा, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। तो महाराज ने को कहा कि भाई मेरे को कुछ भिक्षा दो। तो उन्होंने कहा ये घोड़ा ले जाओ, ये घोड़ा ले जाओ, और बिल्कुल अनअटैच तरीके से। और वो सब जो जितने भी काठी दरबार थे वो अब मुँह में उंगली डाल के देखने लगे कि इतनी महंगी चीज़ महाराज ने यूँ ऐसे, उसका तो यह पात्र भी नहीं है, ये कोई सुपात्र नहीं है जिसको इन्होंने दे दिया। पर महाराज तो महाराज थे, ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं। आपको कई बार ऐसा लगेगा भी कि गुरु जी किसी से कोई ऐसे फाइनेंस की कोई ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि अच्छा ये ले लो, जैसे हमारे मटर की सेवा चलती है, पिछले साल की बात है, सब भाभियाँ यहाँ पर आकर मटर छील रही थी, तो गुरु जी ने कहा भी ये ऐसे नहीं, जिसको घर ले जाने हैं तो इसका एक अमाउंट रखा, एक फिक्स अमाउंट रखा कि भाई ये ले जाओ। तो सबको अजीब लग रहा था कि हम मटर आए हैं, मटर छीलें हैं और लेकर जाने हैं तो पैसे देकर जाएं। लेकिन सब भाभियों ने पैसे दिए, थैलियां ले गई, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो पैसे उन्होंने दिए हैं उसमें और ऐड करके प्लास्टिक की थैली में डाल के वो मटरों की बीच में डाल दिए। किसी को नहीं पता, वो तो हमारी दीदी ने उन भाभियों को बताया कि भी ये गुरुजी का जेस्चर तो देखो कि गुरुजी क्या कर रहे हैं आपके लिए। तो जब फिर उन्होंने जाके अपने फ्रिज में, उन्होंने तो चुपचाप जाके रख दी थी, मेरे का 99.9% भाभियों ने रखी, शायद ही कोई हो जिसने के निकाली हो, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं था। दीदी के कहने के बाद ही सब ने वो निकाले, तो उसमें से सबको वो प्लास्टिक, वो नोट ख़राब ना हो जाएँ उस वजह से भी ये अभिषेक वगैरह मैंने देखा, ये रात को इन्होंने प्लास्टिक की थैलियों में भी नोट डाले कि नोट ख़राब ना हो जाए, मटर की थैलियों में। ये अभी तक आपने प्लास्टिक की थैली के पैसे नहीं दिए, वो ज़रूर कौशिक भाई को और अभिषेक को दे सकते हैं आप। ऐसे तो गुरु जी के कई जेस्चर हैं, एक नहीं, ये तो मैंने एक की एग्जांपल दी। मेरे ख्याल कुछ 3-4 साल पहले 2014 में, शायद उस दिन नक्शु का बर्थडे भी था, 19 दिसंबर को दोपहर को, सुबह से ही कुछ संत आने वाले थे हरिद्वार से, दो संत आने वाले थे, दूसरे संप्रदाय के थे, पर गुरुजी के दर्शन के लिए आ रहे थे किसी के रेफरेंस से। तो गुरुजी ने मुझे बुला के कहा कि जयप्रकाश जी आपको इनका पूजन करना है और भेंट देनी है। मैंने कहा ठीक है। वो शाम दोपहर के बाद आने वाले थे, तो आए, उनका पूजन किया, महाराज का पूजन किया, गुरुजी का पूजन किया और फिर उन दोनों संतों का पूजन किया। दोनों को वो लिफाफे दिए, वो लिफाफे ऑलरेडी पहले ही मंदिर से अभिषेक ने तैयार कर रखे थे, 500-500 रुपये उसमें डाला था। तो गुरुजी मजाक में कहते हैं, जैसे आप लोगों को कहते हैं कि मेरी भेंट कहाँ है, उनको कवर दिया तो मेरा कहाँ है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी अभी दे देता हूँ। तो मैंने निकाला तो कहते मेरा तो डबल होना चाहिए, उनको 500 दिया तो मेरे 1000 होने चाहिए। मैंने कहा गुरुजी 1000 ले लो। तो दे दिया, बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई, बिल्कुल वहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो लोग गए, बाद में अभिषेक आया मेरे पास, अंकल ये गुरुजी ने आपको पैसे। मैंने कहा भाई ये क्यों भाई, ये तो मतलब दिए गए तो दिए गए, तो गुरुजी को देने हैं। कहते हैं नहीं, गुरुजी ने कहा है कि आप रख लो। तो मैं इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अभिषेक बोला कि नहीं अंकल देखो, अपने को तो गुरुजी की हाँ में हाँ और ना में ना। उन्होंने कहा पूजन करो, पूजन कर दिया। उन्होंने कहा पैसे दो, कवर दो, दे दिया। वो कह रहे हैं ले लो तो ले लो, अपने को तो हाँ में हाँ और ना में ना। तो मेरे को पहले भी पता था, वो अभिषेक से आगे वो मैं बात हमेशा याद रखता हूँ कि जैसे वो कहें बस वैसे ही करना है, और उसमें कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अभिषेक से जो आए वो तो समझो, जैसे अभी प्रकाश चंद्र जी ने भी कहा कि हमारे को अभिषेक जी कहने का मन करता है, और वो बात मेरे लिए नहीं है। मेरे ख्याल 50-60-70-80% लोगों को ऐसा होता होगा कि हम इसको अभिषेक जी कहें। वो अभिषेक जी इसलिए नहीं कहते कि वो उम्र में बहुत छोटा है,
तो उसको मतलब अजीब ना लगे, लेकिन उसको अभिषेक जी इसलिए कहते हैं कि उसके गुणों की वजह से, उसकी सेवा की वजह से, उसका जो गुरु जी के साथ संबंध है, जो गुरु जी के साथ उसका वो ओपन संबंध, गुरु जी अगर थोड़ा सा खाना कम खाते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गुरु जी ये इतना आप कम क्यों खा रहे हो। परसों चौथ भी लड़ रहा था गुरु जी के साथ, वो लड़ाई ही थी एक किस्म की, कि दोपहर को खाना खाया तो गुरु जी ने कहा कि बस अभी नहीं, तो एकदम वो विश्वास खिला रहा था। तो उसने कहा भैया देखो ये गुरु जी ने छोड़ दिया। तो फिर मतलब जैसे एक माँ कहती है या जैसे बड़ा भाई कहता है, हालांकि बहुत छोटा है, उस गुरु जी आप क्यों नहीं खा रहे। उधर गार्गी दीदी भी खड़ी थी, उसको उसने कहा इसकी फ़ोटो खींच लो। मतलब हम ये लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं गुरु जी की कि जो देखे उसका भी, जो ना करता उसका भी मन कर जाए कि हमारे को ऐसी सेवा करनी है। तो इसलिए अभिषेक को अभिषेक जी कहा जाता है। और ये कोई आज से नहीं है, तो कई सालों से, जब काका जी की स्टैंप जब 2003 में निकली थी, मुझे याद है उस वक़्त हम कुछ स्टैंप्स वगैरह लाए थे, तो गुरुजी ने कहा था कि आप इसको अलग अलग फोल्डर्स में ऐसे करके सेट करके रख दो। और गुरुजी ने कहा अच्छा सुबह कर देना, अभी तो देर हो गई, सुबह कर देना। पर गुरुजी तो आराम में चले गए, पर ये वो उसी समय कर रहा था, रात को 11:30 बजे। मैंने कहा यार तो गुरुजी ने कहा सुबह कर देना और इसमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तो आप सुबह कर देना। कहता है अंकल सुबह और भी तो बहुत सारे काम होंगे, तो इसको अभी से क्यों ना निपटा दो। ये होती है सेवा, कल का काम आज कर, वो सेवा, वो इससे सीखने जैसी है। और एक और मेरे को याद आ रहा है कि एक बार ये गुरुजी के दांतों में सोना लगाया हुआ है, कई कुछ दांतों में, तो भाई अब ये कोई दांत निकल गया था तो इसको नया दांत लगाना है, तो सोने का लगेगा, वो सोना कौन देगा, ये सब आपको पता है। तो उसमें शशि का नंबर लग गया कि भाई अच्छा तभी, तो उसने अपनी चूड़ियाँ दे दी सोने की कि अच्छा जी इससे आप बनवा लेना, हो गया। वो बात मेरे ख्याल साल या डेढ़ साल या दो साल के बाद एक दिन हम आए तो अभिषेक ने कहा गुरुजी ने भाई ये चूड़ियाँ ना ये वापस हैं भाभी के। मैंने कहा कौन सी, हम तो भूल भी गए थे, कम से कम मेरे ख्याल डेढ़ दो साल की बात है, हम भूल गए थे। तो फिर याद कराया कि ये उसमें ऐसा था, तो हमने कहा वो तो दी गई। पर गुरुजी का अच्छा लाओ अभिषेक वो पर्ची लाओ। जिस थैली में जिस डिब्बी में वो रखी हुई थी चूड़ियाँ, उसमें एक पर्ची लिखी हुई थी उस डेट में कि ये शशि भाभी को वापस करनी है, कि जब ली थी तभी भी गुरुजी के दिमाग में ये था कि ये मेरे को लेनी नहीं है, ये सब मजाक चल रहा है, क्योंकि वो हमसे लेके करेंगे क्या, देने वाले तो वही हैं। हम सब के पास जो है वो सब उन्हीं का ही दिया हुआ है, लेकिन हम देते समय हिचकिचाए नहीं, खुश होके दें, मल्टीप्लाई होने वाला है। गुरुजी ने खुद कहा है, विपिन ने भी एक बार बात करी थी, अभी शायद बैठा नहीं है वो, कि गुरुजी ने ये जो मंदिर भी बनाया है तो पहले तो सीमेंट का था, सीमेंटेड था, ये पत्थर तो बाद में लगा, अक्षर ज्योति तो बाद में बनी, ये एयर कंडीशन हॉल तो बाद में बना, वो भी तब बना जब हम जितने भी यहाँ पर गुरुजी के साथ फैमिली जुड़ गई थी उन सब के पास अपने अपने मकान हो गए, अपनी अपनी गाड़ियाँ हो गई, अपना अपना सब सेटलमेंट हो गई। उसके बाद गुरुजी ने कहा पहले अक्षर ज्योति, क्योंकि ये जो बहनें हैं ये भगवान के लिए अपना घर छोड़ कर आई हैं, तो उनकी व्यवस्था पहले हो जाए। उनकी व्यवस्था करने के बाद मंदिर का नंबर आया। ये गुरुजी का एक जेस्चर था हमारी बहनों के प्रति। गुरुजी की तो बातें इतनी हैं कि जितनी भी करो उतनी कम है, सारी रात बैठे रहो तो आप भी सुनते रहोगे और मैं भी बोलता रहूँगा। ये एक नदी के समान है, नदी के दो पार्ट हैं, एक जीवन मतलब बर्थ,
दूसरा है डेथ. डेथ एंड बर्थ बोथ आर परमानेंट फिक्स्ड. बर्थ हमारा हो चुका है पर डेथ कब होगी वो किसी को नहीं पता. और सबका ये एक मतलब बड़ा ही जटिल प्रश्न है कि आफ्टर डेथ व्हाट, कि हमारी डेथ के बाद हमारी क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे. ये प्रश्न जो है वो सबको ही परेशान करता है. पर इसको भी महाराज ने वचनामृत में सुलझा दिया है दो जगह पर. पहली बार गढ़ा 14 में मुक्तानंद स्वामी के द्वारा मुक्तानंद स्वामी ने महाराज को प्रश्न किया. बातें कुछ और चल रही थी. उन्होंने श्रुतियों का रेफरेंस लेकर कहा कि अंतमति या सागति, के अंतकाल में जो हमारी मति होती है, जैसा हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी वृत्ति होती है, वैसी ही हमारी सदगति होती है या दुर्गति होती है. तो ये है, इसका क्या अर्थ है? महाराज ने कहा इसको छोड़ो, ये अपने लिए नहीं है. मैं बैठा हूँ ना, ये जिसकी अंतमति का मतलब आज जो आपकी मति है उसके द्वारा और अंत समय में. और इसका रेफरेंस महाराज ने जैतलपुर के 5वें वचनामृत में, जो कि सबसे आखिर में लिखा गया है, उसमें दोबारा कहा है कि आप जो मेरे आश्रित हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. उनको अंत समय में या तो उसकी सदगति हो रही है, फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं स्वयं दर्शन देकर उसका अंत सुधार दूंगा. यह महाराज का वचनामृत है तो उसमें हमारे को तो कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए. उसी वचनामृत में एंड वाले पैराग्राफ में महाराज ने ये कहा, सभा हो रही थी तो एकदम आकाश में बहुत बड़ा तेज पुंज वो निकला और उस तेज पुंज में से 3 अलग अलग गोले बन गए. तो जैसे सभा हमारे यहाँ पर हो रही है उस समय लोगों ने पूछा, हरिभक्तों ने पूछा, हे महाराज ये क्या था? तो महाराज ने कहा कि ये और कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो प्रतिदिन आते हैं आप संतों की सबके दर्शन करने के लिए. आज हरि की मर्जी से, महाराज की मर्जी से ये आप सबको दिखाई दिए. तो उसमें कहना ये है कि वो जितना दिखाएं, जिसको दिखाएं, जब दिखाएं, कितना दिखाएं, वो उनकी मर्जी है. अपने को उसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी. यहाँ पर लिखा हुआ है आप यहाँ आए हो ना, इतना ही काफ़ी है, अब बेफिक्र हो जाइए. इतना बड़ा आशीर्वाद ओपनली लिख कर दिया हुआ है, जिसको पढ़ना ना भी आता हो वो भी पढ़ ले, और बिल्कुल बारीक नहीं है, बिना चश्मे के भी नज़र आता है. तो आप यहाँ आए हो ना, इतना ही काफ़ी है, अब आप बेफिक्र हो जाइए. इतनी बड़ी गारंटी कौन देगा? तो वो महाराज ही देने वाले हैं. महाराज ने ही कहा कि अंत समय में मैं आऊँगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ. अपने को तो वचनामृत पढ़ना है, वचनामृत की जो गूढ़ रहस्य की बातें हैं वो गुरु जी से समझनी है, सुननी है और उनके ऊपर चलना है. खाली सिर्फ पढ़ लेना या ज्ञान इकट्ठा कर लेना या दूसरों को बताने के लिए कर लेना कि हाँ मेरे को बहुत आता है, ऐसा ना हो. उसके लिए भी गुरु जी आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम ज्ञान अर्जित तो करें पर ज्ञान के साथ हमारी भक्ति जो है, आपके चरणों में जो प्रेम है वो कहीं कम ना हो. तो कई बार मैं यहाँ पर बैठते हैं, हमारे हरिभगत और बैठते हैं तो वो एक सेंटेंस ज़रूर बोलते हैं आखिर में कि आज तो मांगने का दिन है, आज तो मेरा बर्थडे है, या आज गुरुजी आपका बर्थडे है, या आज फलाना दिन है, आज तो मांगने का दिन है तो ये मांगना है. मैं ये कहता हूँ कि जो देने वाला है, जो देने की ताकत रखता है, वो जानने की ताकत भी रखता है. तो हमारे को उन्होंने बिना वी आर हिज अडॉप्टेड किड्स, हम उनके अडॉप्टेड किड्स हैं, हम उनके बच्चे हैं. हम जैसे माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उनके लिए बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट करते हैं, ऐसे ही गुरुजी ने हमारे लिए बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं. तो उनसे मांगना क्या, ही हैज़ ऑलरेडी गिवन अस, ही इज़ गिविंग अस एंड ही विल कंटिन्यू टू गिव अस. तो ऐसा मांग ना करते रहें. जो देना जानता है वो जानना भी जानता है. तो वो बात थी.
तो अंत में सिर्फ मैं यही कहता हूँ, काका जी मेरी यही प्रार्थना है, गुरु जी मेरी यही प्रार्थना है, भूलूँ ना मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊँ, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हो गई इसलिए मैंने किया। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरुजी ने जैसे बताया, पानीपत के यूथ पूज्य वैभव गोयल जी से प्रार्थना कि वे भी हमें महात्मा दर्शन कराएं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। तो परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य दीदी, संतों, बहनों और आप सबको हार्दिक जय स्वामीनारायण। अभी जयप्रकाश अंकल की बातों के बाद मेरी बातें शायद थोड़ी यूथ वाली ही होंगी। तो बहुत बेसिक लेवल में सोच रहा था, जब सब यहाँ पे सभा में बात करते हैं तो सब अपनी जर्नी की बात करते हैं, कैसे जुड़े या फिर गुरुजी के साथ कैसा उनका रिलेशन डेवलप हुआ या फिर जो भी उनके लाइफ में इंसिडेंट्स हुए। तो मैं भी ऐसे सोच रहा था, तो वो ऐसा लगता है कि जो सभा में बात करना, इट इज़ अ रिफ्रेश कोर्स फॉर आर सेल्व्स। मतलब वो हमारे लिए एक रिफ्रेश कोर्स हो जाता है, क्योंकि शायद डे टू डे लाइफ में हम इतना नहीं सोचते कि हमारी क्या जर्नी रही है या फिर हम कैसे जुड़े हैं। तो इस कारण वो एक रिफ़्रेश हो जाता है कोर्स, और वो खुद को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं कि तो एक तो जैसे। और ये मेरा अब कुछ खुद से एक्सपीरियंस्ड मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक जब वो फंक्शन के टाइम पर जब इंटरव्यू लिया था दिव्यांग भैया ने सबका, तो मेरे पास है मेरे लैपटॉप पर, तो कभी कभी जब ऐसे लॉस्ट फील होता है या फिर कभी लो फील होता है, कभी कुछ होता है, तो मैंने वो इंटरव्यू कितनी बार अपना खुद का ही देखा होगा, तो अपने मुंह से वही सारी बातें सुन के वो खुद को ही कॉन्फिडेंस आता है कि यार सही है। मतलब वो एक रिमाइंडर टू आर सेल्स हो जाता है कि तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी बोलने की और करने की, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी को। और ऐसी जर्नी और इंसिडेंट्स और इन सब चीज़ों की मैं बात करूँ, तो मेरी जर्नी तो बचपन से यहीं पे है। मतलब चाइल्डहुड से ही बहुत गुरुजी का प्यार मिला है और बाकी सबका, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर एक तरह से कह सकते हैं। तो उसमें कैसे एक, और उसमें मैं ये कहूँगा कि शायद आते तो हम यहाँ पे एज फैमिलीज़ हैं, बट लेकिन एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक जो जर्नी होती है या गुरुजी से कनेक्शन होता है, वो मुझे लगता है फैमिली में भी अगर चार लोग हैं तो सबका अपना इंडिविजुअल होता है। मतलब एज अ फैमिली तो आते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि मेरे फादर का जो एक अटैचमेंट या जो बिलीफ है वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए। वो मेरे शायद खुद के एक्सपीरियंसेस या मेरी जर्नी से ही, वो मेरा खुद का एक जर्नी है और वो खुद ही चलती है। तो उसी जर्नी की जैसे बचपन से मैं बात करूँ, तो हम आते थे ऋषभ और मैं तो अक्षय होती बहुत रुकते थे या फिर बहनों की साइड बैठते थे, तो वहाँ पे दोनों साइड पे बड़े बड़े वो बोर्ड लगे हुए थे जिन पे लिखा रहता था कुछ कुछ, तो कुछ समझ में तो आता नहीं था वैसे, पर उसमें से एक पॉइंट होता था कि काल कर्म और माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बचपन में समझ में नहीं आता था, पर इतना कॉन्फिडेंस आता था कि यार कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा ये लिखा है। तो मतलब वो बचपन से ही ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ के, और कुछ नहीं जो उसमें ये था। तो मेरे को एक ये बड़ा बेसिक है और शायद मजाक की बात है, बट मेरा इस चीज़ मेरे पे सही में इम्पैक्ट था इस चीज़ का, कि वहाँ पे ये पढ़ के कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो लगता था सही है। मतलब कोई कुछ हाँ नहीं, मतलब अभी मेरे लिए तो हकीकत वही मैं बता रहा हूँ। तो और वैसे जैसे अक्षय होती में रहते थे सब करते थे, तो पुराना अक्षय होती होता था, तो वहाँ पे हम वहीं रहते थे बचपन में बहुत टाइम तक मम्मी के साथ। तो इतनी छोटी सी जगह पे इतनी सारी बहनों को साथ में इतनी खुशी से और इतने उससे यूनिटी से, और मतलब बिल्कुल विदाउट एनी कंप्लेंट रहते देखते थे, और कैसे सब मैनेज हो जाता था और सेवा भी हो जाती थी सब, खाना रोटियाँ ये वो सब। तो मतलब वो चीज़ें बचपन से देख देख के मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक सीड्स एक उसके अंदर रह जाते हैं, जो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं जब आप बड़े होते हो। तो
और बाकी मैं इंसिडेंट्स की बात करूँ तो एक अटैचमेंट, प्यार, सब कुछ गुरुजी से रहा है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्पिरिचुअल जर्नी, कि एक प्यार से अलग जब मुझे ऐसे रियलाइजेशन होने लगी दैट दिस इज़ द पाथ आई वॉन्ट टू फॉलो एंड आई एक्चुअली एक्सेप्टेड गुरुजी एज माई गुरु, कि मेरे को इनका ही एक शिष्य बन के चलना है। फिर मेरे को एक, आप कह सकते हो कि एक रियलाइजेशन हुई कि दिस इज़ रियली समथिंग दैट आई वॉन्ट अपार्ट फ्रॉम जस्ट कमिंग हियर विद माई पेरेंट्स। तो उसमें दो तीन इंसिडेंट्स हैं जो मुझे याद आते हैं। एक जैसे क्लास ट्वेल्थ के मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, तो ट्वेल्थ में होता है सबको प्रेशर, और मैं मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक था, मतलब बहुत ज़्यादा वीक, मतलब ऐसा था कि दो तीन ट्यूशन मैथ्स में, गुरु जी दो तीन ट्यूशंस भी थी, सब कुछ था। और तो मतलब मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था, मुझे लगता था मैं बाकी सब में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बस मैथ्स में किसी तरह पास हो जाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सब में अच्छे मार्क्स आएंगे, एक में रह जाऊँगा। तो था टेंशन, मम्मी को भी पता था जो भी है। तो मेरा बोर्ड्स का जो पेपर था उससे एक दिन पहले बिल्कुल ही अनअनाउंस्ड एकदम उस तरीके से गुरुजी का पानी पताने का प्रोग्राम बन गया और गुरुजी पानी पताए। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मतलब जैसे एक वो होता है कि मेरे लिए आए, या फिर मेरे को एक इंच मतलब वो पुश देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आए। तो जो भी हो, उसी दिन रात को मेरे को जो भी कॉन्फिडेंस था, कुछ भी था, मैं जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, जो भी हुआ उसको मतलब मैथ्स रट्टे मारने का सब्जेक्ट नहीं है, पर मैंने लर्न करे थे मैथ्स के आंसर स्टेप बाय स्टेप, और ये सब करके मैं चला गया। और मतलब कमाल की बात है कि सारे वही क्वेश्चन और 91 मार्क्स आए थे मेरे मैथ्स में। और फिर ओवरऑल भी 93 आए थे, सब आए थे मार्क्स। और फिर मेरे को याद है शायद मेरे से ज़्यादा गुरुजी को खुशी थी, या फिर उनकी आंखों में वो खुशी थी कि इसके कितने मार्क्स आए। मतलब मुझे इतना था कि चलो अच्छे मार्क्स आ गए ओवरऑल भी, बट जब वो गुरुजी, दीदी, मम्मी पापा के चेहरे पर जो देखा कि इतना प्राउड उन्होंने महसूस किया, और गुरुजी ने पूछा भी था ये नंबर क्या चोरी करके लाए, वो गुरुजी आपके आशीर्वाद से आए थे। फिर उसके बाद कॉलेज का था, तो इतने अच्छे मार्क्स आए थे तो मेरे को था डी यू में पढ़ाई करनी है, तो डी यू के बेस्ट दो तीन कॉलेज थे, मेरे को अच्छे मार्क्स आ गए तो होना तो इसी में चाहिए एडमिशन वगैरह। मेरा बड़ा चाह उस टाइम मन था कि एडमिशन हो जाए इसमें। तो मतलब इस इंसिडेंट से मैंने एक लेसन लर्न किया था। तो मैं तीन प्रोस्पेक्टस जो टॉप थ्री कॉलेजेस थे डी यू के, गुरुजी के पास लेके चला गया कि गुरुजी ये तीन कॉलेज हैं और मुझे ना इन्हीं में एडमिशन चाहिए। तो गुरुजी ने मेरे को देखा, इसी में चाहिए? मैंने कहा हाँ जी चाहिए। तो हो गया, सब हो गया, करा, तो तीनों में नहीं हुआ, किसी चौथे कॉलेज में हुआ। तो दीदी ने समझाया कि वो उस टाइम एक लेसन था मेरे लिए जब मैं यंग था कि कभी भी भगवान से प्रे करो तो हमेशा कहते ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, कभी भी ये प्रेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हो सकता है मैं उन कॉलेज में चला जाता बट मेरे लिए कुछ और लिखा होता, जो भी है। तो यू शुड ऑलवेज प्रे टू गॉड कि मेरे लिए हमेशा वो करो जो मेरे लिए अच्छा हो, जो आपको लगे मेरे हित में। तो मेरे बहुत एक छोटा बेसिक लेसन है शायद, मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था कि भगवान से हमेशा ये प्रे करना चाहिए कि जो मेरे हित में हो, जो बेस्ट हो मेरे लिए, आप वही जानते हो और वही करो। और शायद उसके बाद से फिर मैं शायद वो कोशिश करता हूँ फॉलो करने की। और हाँ, इसका फॉलो अप एक, फिर जब मैं कॉलेज जा रहा था तो एक फ्रीकोनॉमिक्स करके एक किताब आती है, तो गुरुजी ने वो मेरे को बुक दी और उस पर खुद एक बहुत बड़ा एक मेरे को लेटर लिख के दिया था। उसका क्रक्स ये था कि एक जो कॉलेज नंबर वन होता है, 2-3, ये रैंकिंग्स तो एक बड़ी सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, चेंज भी होती रहती हैं। और तो इसमें ये मत समझो कि तुम्हारा 1-2-3 में नहीं हुआ, ये समझो कि जिस कॉलेज में तुम गए वो नंबर वन कॉलेज है, और उसका सौभाग्य कॉलेज का कि तुम गए। तो उस टाइम पढ़ के लगा चलो गुरुजी ने बोला, और मतलब अच्छा लगता है सुन के कि गुरुजी मेरे को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर मेरे को ताकि मैं लो फील ना करूं इसलिए बोल रहे हैं। तो ठीक है, पढ़ा, सब हुआ। तो SRCC सबको पता होगा, पिछले शायद 50 साल से DU का इंडिया का नंबर वन कॉमर्स कॉलेज है, और इंडिया टुडे में रैंकिंग्स आती हैं ये सारी। तो जब नेक्स्ट ईयर, मतलब यकीन, मतलब मेरे को तो आज तक यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ था, मतलब इंडिया टुडे मैगजीन में रैंकिंग्स आती हैं, 50 साल तक नंबर वन कॉलेज SRCC, जिस साल मेरा एडमिशन हुआ उसके अगले साल, और उस साल सिर्फ इकलौता वही साल था, उसके बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा कॉलेज नंबर वन, SRCC नंबर टू। मतलब अगर तो ये ऐसा तो है नहीं कि अब इंडिया टुडे वालों ने, मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिटरली मिराकुलस होती हैं। मतलब एक जब आपको सही में लगता है कि यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं। फिर
मेरा कॉलेज का जर्नी भी सब अच्छा था, काफ़ी मंदिर में भी रहा मैं उस टाइम पे, और मतलब वो शायद बहुत बहुत टर्निंग लाइफ टर्निंग था या मेरे लिए पीरियड, क्योंकि मैं मंदिर में रहा, विजयपाल अंकल के घर रहा, सब रहा, विपिन नितिन वगैरह थे, तो उनका गुरुजी से अटैचमेंट देख के इंस्पिर होता था कि चलो हमें भी ऐसा एक संबंध बनाना है गुरुजी के साथ। और गुरुजी की जब आप मंदिर में रहते हो, एक साल डेढ़ साल रहा मैं, तो गुरुजी के साथ दिन रात उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ छोटी छोटी देख के और करके, मतलब मंदिर के सबसे अभिषेक भैया विश्वास संतों से सबसे एक बहुत अटैचमेंट हो गई, बुआ से सबसे, मतलब बहनों से सबसे, और तो एक वो था। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट है, मैं जब मेरा MBA ख़त्म हो गया तो मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मेरा पहला जॉब इंटरव्यू था, नर्वस था मैं कि, और ऐसा कभी था नहीं कि जॉब वॉब करनी है, बट था कि चलो अब इतनी पढ़ाई करी है, MBA करी है, सबकी जॉब लग रही है, मेरी एक जॉब तो लगनी चाहिए, करे या नहीं करे। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। गुरुजी ने बोला बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो फ़ोन मेरे को लगा गुरुजी ने गलती से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, तो बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहिए था, मैं चलो कोई नहीं, पर मेरे को लेकिन उससे भी बड़ा वो लगा कि चलो शायद अब हो ही जाएगा, वो भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था। सब करा वरा, दो इंटरव्यू के दो तीन घंटे में रिजल्ट आ गया, तो मैं गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी मेरा हो गई, मेरा जॉब लग गई। तब गुरुजी ने बोला मैं तो तेरे को पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया था। तो पहले मतलब मिस्टेक नहीं है, मतलब वो वही वाली तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया था अपना, जब पापा के साथ पानीपत में ऑफिस ज्वाइन किया, पहले दीदी आई थी, फिर गुरुजी भी आए थे वहाँ पे ऑफिस में आशीर्वाद देने। तब भी फर्स्ट डे मैं वहाँ पूजा के लिए आया था, तो गुरुजी ने मेरे को मतलब मेरा फर्स्ट डे का पूरा अटायर एज इन क्लोथ्स, मतलब पैंट शर्ट बेल्ट सॉक्स जूते मतलब फाइल मतलब सारा कुछ, इतना पूरा एक ऐसे कि ऑफिस जा रहा है तो मतलब प्रॉपर तैयार करके ऐसे भेजा था। और फिर तो इसमें एक उस टाइम पे गुरुजी ने मेरे को कुछ आशीर्वाद दिए थे बुला के मेरे ऑफिस में ही, मतलब बड़ी एक वो अगेन मतलब मैं शायद इतना वैसे अगर आप टेक्निकली स्पिरिचुअलिटी बोलो शायद इतना नहीं, मतलब बड़ा बेसिक लेवल पे मेरे को जो दो तीन चीज़ें यहाँ पे मतलब गुरुजी से सीखी करी वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो एक ज़िंदगी में एक जो उन्होंने मेरे को पाथ और एक वो मार्ग दिया उस टाइम पे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि उन्होंने मुझे ऐसा समझाया गुणातीत जो स्पिरिचुअलिटी के लेवल्स होते हैं, तीन लेवल्स होते हैं, एक तो तू यहाँ आया तेरा वो हो गया, सेकेंड तेरे को काका जी मिले तो वो तेरा लेवल हो गया, अब तेरे को अगर तीसरा मेरे को लेवल्स नहीं पता मतलब उस टाइम पे वो जो वर्ड्स, बट जो थर्ड लेवल गुरुजी ने मेरे को दिया कि तेरा ये एक नियम है थर्ड लेवल, अगर तेरे को कुछ करना है तो ज़िंदगी भर अपने चाचा और पापा में कभी फ़र्क मत रखियो, भगवान उनसे पहले तेरी सुनेगा। तो मतलब एक ऐसा नियम मेरे को ज़िंदगी भर के लिए मिल गया कि अगर मुझे ये करना है तो उससे मुझे मतलब गुरुजी ने सामने से बता दिया कि तू अगर ये रखेगा तो उससे मैं राज़ी हूँ और भगवान राज़ी रहेंगे। तो मतलब इतना सिंप्लीफाई करना चीज़ों को, और उसमें भी आप देखो तो मेरी ही प्रोग्रेस है और एक फैमिली की प्रोग्रेस है और सब कुछ है, तो मतलब अपने लिए उन्होंने कभी ऐसा कुछ किसी से मांगा नहीं करा नहीं, और बस हमको एक वही दिया, और बचपन से ऐसा ही है कि गुरुजी इज़ द सेंटर फोकल पॉइंट इन द फैमिलीज टू, मतलब फैमिली में भी अगर जैसे हम चार लोग हैं तो चारों के एक सब कॉन्शियस भी नहीं कॉन्शियस माइंड में गुरुजी हमेशा रहते हैं, और एक तरीके से मतलब कुछ भी होता है फिर मतलब वो डर आप कह लो घर में शायद पेरेंट्स को भी गुरुजी का और हमारा भी गुरुजी का, तो सब चारों जब एक तरफ एक गुरुजी को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं तो उनकी भी सिनर्जी आपस में बहुत अच्छी रहती है। पापा मम्मी ऋषभ और मैं, मतलब पापा मम्मी ऋषभ और मैं, तो मतलब वही उससे मतलब कितना आसान हो जाता है लाइफ जीना अगर ऐसे मतलब गुरुजी जैसे एक मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली हो, अगर सबके पास है हमारे पास, तो मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। और बस उसमें एक और मेरा एक कमी थी मतलब जो मुझे मैंने रियलाइज़ करी कि मेरे अंदर कमी है, और ऐसा है कि हम गुरुजी की बातें मतलब मानते हैं करते हैं बट लाइफ में कन्वीनियंस भी बहुत देखते हैं, मतलब जहाँ हमारी और गुरुजी की बातों फॉलो करने की सिनर्जी बैठ गई या अलाइन हो गई आपस में तो बड़े खुशी से कर लेते हैं कि हमने गुरुजी की बात मान के करा, या फिर अगर कुछ नहीं करना और वो गुरुजी ने बोला हो कि ऐसा नहीं करना, अरे गुरुजी ने बोला है तो नहीं करेंगे, बट जहाँ पे नहीं करना होता तो वहाँ पे हम खुद को समझा लेते हैं और ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को लॉजिक दे देते हैं, तो ऐसा ना हो हमसे मतलब एकदम ब्लाइंडली सब कुछ कर पाएँ, ऐसी स्ट्रेंथ मिले और ऐसा एक आशीर्वाद मिले गुरुजी से।
एक और चीज़ मैंने छोटी सी एक नोटिस करी थी, तो मैंने सोचा मैं बात करूँ उस बारे में कि वैसे तो गुरुजी बहुत बोलते हैं और आप सबको वैसे बहुत बड़े हैं, आप सबको पता ही है। गुरुजी की अभी जो पीछे 25th जो हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो 25 साल कवर हुए थे मंदिर के जर्नी के, गुरुजी के जर्नी में, तो मैं देख रहा था गुरुजी ने हर बर्थडे के फंक्शन में अपने हर मतलब लिटरली सारे सालों में हर बर्थडे के फंक्शन में एक ही बात करी थी कि अपने गुरु में निर्दोष बुद्धि रखो। मतलब एक ही मैसेज था हर बर्थडे के उसमें कि मतलब अपनी रीजनिंग, अपनी थिंकिंग, अपना लॉजिक ना यूज़ करके, मतलब वो कहते हैं ना, वो शायद पापा जी का वो था, स्टॉप योर इंजन लेट हिम वर्क। मतलब तो मतलब वो कितना एक, तो मैंने वो ऐसा गुरु से आशीर्वाद की वो रख पाए निर्दोष बुद्धि आपके अंदर, मतलब उतनी स्ट्रेंथ मिले हमें ज़िंदगी में, ऐसा आशीर्वाद।